अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? सऊदी अरबिया से न्यूज़ अलर्ट लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। लेटेस्ट न्यूज़ अलर्ट है कि सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने जो है वो जुम्मा नमाज के लिए 15 मिनट की लिमिट सेट कर दी है। 15 मिनट के अंदर जुम्मा का खुतबा, नमाज, सब कुछ ख़त्म करना होगा ताकि जो है वो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस फ्राम दी अदर प्लेसेस। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के खदशात के बायस खुतबा और नमाज 15 मिनट तक महदूद की गई है। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कोरोना वायरस अलर्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके सामने अभी मैं पेश करने जा रहा हूँ कि अब तक बाय नाउ कोरोना वायरस के वर्ल्ड में कितने केसेस हैं, ये आप देख सकते हैं। डेथ्स हैं, कंफर्म केसेस हैं सब कंट्रीज़ के। जैसे कि हम पाकिस्तान से हैं तो मैं आपको पाकिस्तान का बता दूँ, फॉर द टाइम बींग जो है वो पाकिस्तान के 7 केसेस जो है वो सामने आए हैं। बाय नाउ 7 केसेस, सऊदी अरबिया के जो है वो 15 केसेस आए हुए हैं। आपके सामने पूरी कंट्रीज़ की लिस्ट आपके सामने है। मोस्टली केसेस चाइना और ईरान से हैं और जो है वो रशिया, सीरिया, वो दुनिया के हर जगह से हैं। आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस वर्ल्ड थ्रेट, दुनिया जहाँ से जो है ना सऊदी अरब ने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सियालकोट, बहरीन, अबू धाबी, हर जगह से जो है वो फ़्लाइट्स आ रही हैं, पर सिर्फ सियालकोट वाली को चेक इन और क्लोज़ कर दिया गया है, बाकी सारी फ़्लाइट्स कैंसल्ड हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहली सियालकोट है जो पाकिस्तान से PIA आई है, उसको अलाउ किया गया है, बाकी सब कैंसिल की गई हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे शारजा, अबू धाबी, बहरीन, कारियो, कुवैत, दुबई, हर जगह से फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल की गई हैं। आपके सामने ये जो है वो लेटेस्ट एयरपोर्ट चार्ट है। सही है, जाहिर सी बात सेफ्टी के लिए ये करना ही होगा। अल्लाह ताला बेहतरी करे हम सब मुसलमानों के लिए, हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे औलाद, हमारे बहनें भाइयों सबको अपने हिफाजत में रखे। सऊदी अरबिया लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही मुझे कोई ऑथोराइज न्यूज़ मिल रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़, अल्लाह हाफिज़, स्टे विथ मी।